हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे एंड डूइंग गुड। सो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी आ चुकी है, और वो भी कुछ एम्स ने करा दिए हैं और कुछ एम्स के बाकी रह गए हैं जो कि चल रहा कुछ एम्स में बाकी रह गए हैं जो कि अभी उसका प्रोसेस चल रहा है। अब बात आती है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद क्या, उसके बाद क्या होगा और कब होगा और कैसे होगा। सो उसके एक दो दिन में ही हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ज्वाइनिंग लेटर की फर्स्ट ही लाइन में टॉप पे लिखा होगा कि मेडिकल ज्वाइनिंग के लिए मेडिकल फिट होना ज़रूरी है, जो कि मेडिकल फिट होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले वो क्या करेंगे, हमें फर्स्ट डे जब हम जाएंगे तो उसमें हमें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना है। वहाँ पर जाके सबसे पहले हमें ग्राउंड फ्लोर पे राजकुमारी न्यू राजकुमारी अमृत कौर जो ओपीडी है वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर हम क्या लेके जाएंगे, एक तो ज्वाइनिंग लेटर है उसको लेके जाएंगे, और उसके साथ साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाएंगे जिसपे नाम और डेट होना चाहिए, ठीक है। जो भी हम अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेके जा रहे हैं वही हम उस टाइम पे लेके जाएंगे। फिर उसके बाद वो लेके हम गए वहाँ से हम गए ग्राउंड फ्लोर पे गए ग्राउंड फ्लोर पे वो जो ओपीडी है वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद हमें दो फॉर्म मिलेंगे, उन दो फॉर्मों में कंप्लीट डिटेल होगी कि आपके क्या क्या टेस्ट होने वाले हैं, कौन कौन से चेकअप होने वाले हैं, कब करा सकते हैं आप, ठीक है। वो सारा कुछ कराने के बाद वो सारा कुछ रीड आउट करने के बाद कुछ टेस्ट होंगे, जो कि सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो ENT एग्जामिनेशन होगा, यूरिन टेस्ट होगा, चेस्ट एक्सरे होंगे और डेक्सा स्कैन होगा। जिसके बाद डॉक्टर उन सबको जब भी टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी कुछ 48 घंटे में या फिर 24 घंटे में जब भी टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएंगी तो डॉक्टर फिर चेक उस रिपोर्ट को देखेंगे। फिर उसके बाद जो भी होगा रिजल्ट उसको उधर लिख देंगे। फिर उसके बाद उसको लेके हमें फिर से जाना है, फिर उसके बाद वो चेक करा वो दिखाना है वहाँ पर सबमिट करने हैं। फिर उसके एक दो दिन बाद ही हमको फिर से बुलाया जाएगा और फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो हाँ, फिर आता है कि उस टेस्ट में होने क्या वाले हैं चेकअप। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया था कि ENT एग्जामिनेशन होगा। तो सबसे ENT एग्जामिनेशन में सबसे पहले क्या होगा कि आईज चेकअप होंगे। तो उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये आता है कि अगर कलर ब्लाइंडनेस एक मेजर इशू है, ठीक है, उसको चेक करते हैं जो कि एक मेजर इशू है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, फिर उसके बाद बात आती है कि अगर किसी को स्पेक्स लगा हुआ है क्या उनको उनकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। तो स्पेक्स की क्या है कि स्पेक्स कोई एज सच कोई मेजर इशू नहीं है, वो सब चेक करेंगे कि आपकी आईज़ वैसे तो रीड आउट कर सकती हैं चीज़ों को, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, कोई मेजर इशू तो नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, ऐसा स्पेक्स की वजह से ज्वाइनिंग नहीं रुकेगी, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट वहाँ पर यूरिन टेस्ट करते हैं एंड चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे में वही लंग्स चेक करेंगे, लंग्स देखेंगे कि कोई ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, TV तो नहीं है। अगर है तो फिर वो क्या करेंगे, कुछ टाइम पीरियड देंगे जिसमें वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं एंड फिर उसके बाद वो उस टाइम पीरियड के बाद ज्वाइनिंग कराएंगे। और BP चेक करते हैं एंड हार्ट रेट, वेट, हाइट, ये सब चेक करेंगे। फिर उसके बाद ये सब चेक, हाँ, डेक्सा स्कैन करेंगे, ठीक है, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब कुछ देखने के बाद फिर उसके बाद वो भी जो भी आपका रिजल्ट होगा वो आपको बताएंगे एंड ज्वाइनिंग कराएंगे। तो आप लोग इस चीज़ से टेंस बिल्कुल भी टेंस ना हो, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम हमारी पता है क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें बस यही होता है कि अच्छे से सिलेक्शन हो जाए और जो इंस्टीट्यूट हमें अलॉट हुआ है वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाए। बाकी के स्टेप्स तो धीरे धीरे अच्छे से हो जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ से रिगार्डिंग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ऑल द बेस्ट। जिसका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं एंड फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएं एंड ज्वाइनिंग करें अच्छे से। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर गाइस एंड टेक केयर। बाय बाय। कीप सपोर्टिंग मी।